अस्सलाम वालेकुम, हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आज क्रिएटिव लॉग्स। आज हम बनाने वाले हैं झटपट से बनने वाली भिंडी की ग्रेवी की रेसिपी। बहुत ही सिंपल और आसानी से बनने वाली है। चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे कढ़ाई ले ली हूँ और 2 टेबलस्पून भर के तेल डाली हूँ और इसे अच्छी तरह से गर्म होने तक वेट करेंगे। साथ ही इसके अंदर डाल देंगे 1 मीडियम साइज प्याज। प्याज हल्के से फ्राई होना चाहिए और इसके अंदर डाल देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे अच्छे से 30 सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लेते हैं। 30 सेकेंड्स हो चुके हैं फ्राई करते हुए। इसके अंदर डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के मिर्ची, 1/2 टीस्पून भर के नमक। मिर्ची और नमक आप टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए, कम या ज्यादा, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। साथ ही इसके अंदर डाल देंगे 1 मीडियम साइज टमाटर। टमाटर को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है, साथ ही इसके अंदर डाल देंगे 3 हरी मिर्ची छोटे साइज के, इसे चीर के डाल लिए हमने, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसे हम पका लेते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, अब हम डाल देंगे करी लीव्स। करी लीव्स डाल देने के बाद में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है 30 to 40 सेकेंड्स के लिए। और यहाँ पे डाली हूँ 5 मीडियम साइज के भिंडी है यानी लेडी फिंगर, इसे 1/2 इंच में कट करके डाल लिए है और इसे पका लेते हैं 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। 3 से 4 मिनट हो गया है और इसके अंदर देखिए एक छोटा साइज का नींबू के साइज का इमली है और इसे भिगो के रख लेंगे पानी में। और एक कटोरे भर पल्प लेना है नींबू इमली का रस। डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है 30 सेकेंड्स के लिए। और जो पल्प निकाले थे कटोरे में, उसी कटोरे से आप 2 बॉल भर आप पानी डाल लेना है। पानी डालने के बाद में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में आप इसे पका लीजिए 5 से 6 मिनट के लिए, एक उबाल आने तक। 6 मिनट हो गया है, अब इसके अंदर डाल देंगे 1/2 टीस्पून भर के कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर। इसे डालने के बाद में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे पका लीजिए 2 मिनट के लिए। बीच बीच में आप लगातार मिक्स करिए। और नेक्स्ट प्रोसीजर है, ये है बेसन का आटा 1 टीस्पून ले ली हूँ और साथ ही इसके अंदर 5 टेबल स्पून भर के पानी ले ली हूँ। उसे अच्छे से घोल लिया है और इस मिक्सचर को डाल लेंगे इसके अंदर और अच्छे से मिला लेना है 3 मिनट के लिए। इसे मीडियम फ्लेम पे पका लीजिए 3 मिनट। इसे अच्छी से पका लेना है, बस इतना ही है। 3 मिनट के बाद में आप चाहे तो इसके अंदर कोरिएंडर लीव्स डाल सकते हो या तो स्किप कर सकते हो। बहुत ही सिंपल और आसानी से बनने वाली, झटपट से बनने वाली भिंडी कढ़ी की रेसिपी। आप बनाइए रेसिपी को। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो जरूर आयत क्रिएटिव लॉग्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। याद रखना, स्टे ट्यून्ड।